पाठ का नाम है पाथेयम। पाथेयम का अर्थ होता है रास्ते का सामान, पथ से बना हुआ है। पाथेयम यानी जो आप रास्ते में खाने के लिए ले जाते हो, उसे हम लोग पाथेयम कहते हैं। पाथेयम दूसरा पाठ है, ध्यान से देखोगे। पृथिव्याम त्रीणी रत्नानि जल मन्नम सुभाषितम मूढ़ई पाषाण खंडेशु रत्न संज्ञा विधीयते। कह रहा है कि पृथ्वी पर, पृथिव्याम पृथ्वी पर, इस संसार में, सप्तमी का एक वचन है बाबू, पृथिव्याम पृथ्वी पर पृथिव्याम त्रीणि रत्नानि, इस संसार में पृथ्वी पर तीन रत्न हैं। रत्न शब्द नपुंसक लिंग है, इसलिए रत्नानि शब्द का प्रयोग किया गया। फलम फले फलानी रत्नानि, त्रीणि रत्नानि। जल, अन्न और सुभाषित। सुभाषित कहते हैं अच्छे वचन को। कौन कौन चीज बहुत जरूरी है जिसको हम रत्न कह सकते हैं? रत्न किसको कहते हैं? रत्न का सीधा सीधी अर्थ होता है कि जिसका मूल्य ना दिया जा सके, जो अमूल्य हो, उसी को रत्न कहेंगे। तो यहाँ पर पृथ्वी पर तीन तरह के रत्न कहे गए हैं, माने जाते हैं। पहला जल, दूसरा अन्न और तीसरा अच्छे कथन वचन। अब आप खुद सोच सकते हो कि यदि आपके पास सारी सामग्री है, भौतिक सुख साधन के सारे सामान आपके घर में रखे हुए हैं, लेकिन जल नहीं है, तो जीवन संभव नहीं है। जल अत्यावश्यक है, जैसे वायु अत्यावश्यक है, उसी तरह से जल भी अत्यावश्यक। जल प्राप्त हो गया, उसके बाद अन्न की जरूरत पड़ती है। वायु के बगैर आदमी 1 मिनट 1.5 मिनट से ज्यादा नहीं जीवित रह सकता है। जल के बगैर 2 घंटा 3 घंटा 4 घंटा, कभी कभी तो क्या होता है कि कुछ महिलाएं व्रत रखती हैं तो उस वक्त जल नहीं पीती हैं, लेकिन एक दिन के बाद आपको जरूरत पड़ेगी। वह विशेष परिस्थिति में आप भले दिन भर जल ना पियो, लेकिन जल अत्यावश्यक है, इसको रत्न की श्रेणी में रखा जाता है। यह एक तरह का रत्न है। आगे बोलता है कि सुभाषित, सुभाषित भास धातु से बना हुआ है। सुभाषितम अच्छे कथन, अच्छे कथन। यदि आपको अच्छे कथन श्लोक जो आपके लाभकारी हो, आपके रास्ते में अच्छी बात समझाता हो, ऐसे श्लोक रत्न कहलाते हैं। और आप साफ जानते हो कि संस्कृत में जितने भी श्लोक आए गए, जितने भी श्लोक पढ़ाए जाते हैं, वे सभी के सभी सुभाषित कहलाते हैं। आगे कह रहा है मूढ़ई पाषाण खंडेशु, लेकिन मूर्खों के द्वारा। मूढ़ई का अर्थ होता है मूर्ख, और उसमें तृतीया का बहुवचन लगा हुआ है। मूढ़ई, राम का आप रूप चलाते हो तो कैसे होता है? रामई, रामेण रामाभ्याम रामई है। उसी तरह से मूढ़ शब्द का तृतीया बहुवचन हो गया मूढ़ई पाषाण खंडेशु, अर्थात पत्थर के टुकड़ों को रत्न संज्ञा विधीयते, रत्न कहते हैं। तुम सब जानते हो
हमारे यहाँ भारतवर्ष में या अन्य देशों में भी रत्न किसे कहा जाता है? जो कीमती पत्थर होते हैं, जैसे पोखराज, पन्ना, नीलम, माणिक्य, ये सब पत्थर बड़ा ही कीमती होते हैं, लेकिन हम लोग उसी को रत्न भी कहते हैं। आप व्यवहारिक दृष्टिकोण से देखिएगा कि आपके पास बहुत सारे रत्न रखे हुए हैं, पोखराज भी तुम रखा हुआ है, नीलम भी तुम रखा हुआ है, सारे रत्न तुम रखे हुए हो, लेकिन जल नहीं है, अन्न नहीं है, तो जीवन जीना संभव नहीं है। अब आप ये मत कह लेना कि रत्न के द्वारा हम जल खरीद लेंगे। आखिर जल तो आपके पास आया, जल के बगैर जीवन संभव नहीं है, इसलिए जल को रत्न कहा जाए, दूसरी तरफ अन्न को रत्न कहा जाए, तीसरी बात सुभाषितानी को रत्न कहा जाए। यहाँ पर कवि जो है क्या कहना चाहता है, अर्थात ये तीनों जो अत्यावश्यक तत्व हैं, इन सबकी रक्षा भी हम सबके द्वारा की जानी चाहिए। जल की रक्षा होनी चाहिए, जल संरक्षण, जल की रक्षा होनी चाहिए, अन्न की रक्षा होनी चाहिए। अन्न की बर्बादी भी वाले बहुत करते हैं, आप देखिएगा बड़े बड़े घरों में जो फंक्शन आदि काम होते हैं, उसमें बहुत सारा अन्न, पका हुआ अन्न फेंक दिया जाता है, गरीबों को खिलाया नहीं जाता है, तो ये अन्न की बर्बादी है, जिसके कारण महंगाई बढ़ते चली जा रही है। रत्न को हम लोग समझ नहीं पा रहे हैं, लोगों को दिखाने में अंधाधुंध खर्च हो रहा है, जिससे अन्न का मूल्य बढ़ते जा रहा है और गरीब के हाथ से वह अन्न खिसकते चला जा रहा है। अभी आप देख रहे होंगे न्यूज चैनल में आते रहता है, पाकिस्तान में जो आटा की समस्या है, आप देखे होंगे एक बोरा आटा 3 4 5 उस पर लुझे हुए हैं, खींचना चाहते हैं, ले लेना चाहते हैं, ये क्यों समस्या हो गई है? हम लोग अन्न का कद्र नहीं करते हैं, अन्न के महत्व तो को समझते नहीं है, इसलिए। और इसके बाद अच्छे वचन सुनने चाहिए, अच्छे वचन कहने चाहिए। सुभाषित आप सबको मार्गदर्शन का काम करता है, इसलिए सच्चा यदि रत्न इस संसार में कोई है तो वह यही तीन है। कौन कौन? जल, अन्न और सुभाषित। इन तीनों की रक्षा हम सबको करनी चाहिए और इन तीनों के महत्व को हम सबको समझना भी चाहिए। दूसरा श्लोक देखिए, यदि सत्संगति रतः भविष्यसि भविष्यसि, अथ दुर्जन संसर्गे पतिष्यसि पतिष्यसि। देखिए कितना महत्वपूर्ण श्लोक दिया हुआ है आपके जीवन के लिए। यदि सज्जनों की संगति में आप लीन हो, अर्थात आपके मित्र यदि सज्जन है, सत्संगति, आपके मित्र आपके दोस्त यदि श्रेष्ठ हैं, तब तो आपका कल्याण निश्चित रूप से होगा, आप कल्याण के रास्ते पे निरंतर चलते रहेंगे, आपका भविष्य उज्जवल रहेगा। इसलिए यहाँ पर शब्द दिया हुआ भविष्यसि भविष्यसि, आपका भविष्य निश्चित रूप से दीप्यमान रहेगा, उज्जवल रहेगा। परंतु दुर्जन संसर्गे, लेकिन यदि आपका दोस्त यदि दुर्जन है, बुरा है, खराब है, उसकी संगति में यदि आप रहते हो, उसमें आप यदि आसक्त हो, तो कल्याण का मार्ग जो है वह तुम्हारे लिए भ्रष्ट हो जाएगा। पतिष्यसि पतिष्यसि, यानी तुम निश्चित रूप से गिरोगे, तुम अपने लक्ष्य को निश्चित रूप से प्राप्त नहीं कर सकोगे। यहाँ कहा दुर्जन संसर्ग, सप्तमी का एक वचन लगा हुआ, दुर्जन के संसर्ग में। आज तक कोई भी आदमी जो है दुर्जन के संसर्ग में रह करके आगे नहीं बढ़ा, जब भी बढ़ा है तो अच्छे लोगों के संसर्ग में आकर के ही आप आगे बढ़ सकते हो। इसलिए यहाँ पर कवि कहना चाहता है कि आप यदि दोस्त बनाना चाहते हैं तो सज्जनों के संग आसक्ति बढ़ाइए, सज्जनों के साथ रहना सीखिए, तभी आपका शुभ होगा, मंगल होगा, और नहीं तो आपका मार्ग जो है निरंतर नीचे की तरफ गिरता चला जाएगा।
आप निश्चित रूप से दिन प्रतिदिन भ्रष्ट होते चले जाओगे। आप निश्चित रूप से उपहास के पात्र बनते चले जाओगे। इसलिए श्लोक में कहा गया कि सत्संगति ही आपको करनी चाहिए, सत्संगति में ही आपका भविष्य उज्जवल है। इसलिए दुर्जनों के संसर्ग में कदापि नहीं रहें। श्लोक है, गच्छन् पिपीलको याति योजनानां शतान्यपि आगच्छन् वैन्तेयोऽपि पद्मेकं न गच्छति। अब देखिए कितना बढ़िया श्लोक है। गच्छन्, गच्छन का अर्थ होता है जाता हुआ, इसमें शत्रु प्रत्यय लगा हुआ है। गच्छन् जैसे आप बोलते हो ना गोइंग, जो वी फोर का प्रयोग करते हो गोइंग, उसी तरह से गच्छन का मतलब हो गया, अर्थात जाता हुआ पिपिल कहा। पिपिल का कहते हैं चीटी को। याति योजना नाम शतानी अपि, अर्थात यदि चीटी निरंतर चलती रहे तो योजना नाम शतानी अपि, तो सैकड़ों कोस तक वह चली जाती। अब यहां देखिए विचार करिए कि चींटी जो है वह चलते रहती है, रुकती नहीं है। ऐसा नहीं है कि विचार करती है कि अच्छा ठीक है अचानक हम चलना शुरू कर देंगे और मंजिल तक पहुंच जाएंगे, ऐसा नहीं है। वह निरंतर चलते रहती है सस्वत। यहाँ पर हम सबको क्या बताया जा रहा है, हम लोगों को भी ऐसे ही काम करना चाहिए, एक रूटीन के हिसाब से काम करना चाहिए, लगातार काम करते रहना चाहिए। ऐसा नहीं है कि 2 4 5 10 दिन रुक गए और फिर काम शुरू किया, नहीं, हमको आलसी नहीं होना चाहिए। एक दो कहानी तुम लोग बचपन में पढ़ी होगा कि तेज दौड़ने वाला जो है कौन सा जानवर था जो बहुत पीछे रह जाता है, आराम करने लगता है, और कम तेज चलने वाला जानवर आगे पहुंच जाता है। तो हम लोग को रुकना नहीं चाहिए। गच्छन पिपीलिका याति योजना नाम शतान्यपि। शतान्यपि का मतलब क्या हुआ, शतानी प्लस अपि, शतान्यपि अर्थात सैकड़ों कोस तक चला जाता है। आगच्छन वैन्तेय, वैन्तेय कहते हैं विनीता का पुत्र, वैन्तेय उसको बोलते हैं, गरुड़ को। गरुड़ पक्षी एक होता है जो बहुत तेज चलता है और भगवान विष्णु के वह सारथी भी होता है, भगवान विष्णु उसी पर सवार होकर के यात्रा करते हैं। पद्मे कम न गच्छति, अगच्छन, यदि वैनते चलना छोड़ दे, अगच्छन चलना छोड़ दे तो वह एक पग भी आगे नहीं जा सकता है, वह आगे बढ़ ही नहीं सकता है, क्योंकि उसके लिए चलना जरूरी है ना। ये बच्चों के लिए ये बहुत ही महत्वपूर्ण श्लोक है। कभी कभी बच्चे ये सोचते हैं कि हम बहुत ही ओवर इंटेलिजेंट हैं, हम पढ़ना तब शुरू करेंगे जब परीक्षा सामने आ जाएगी और हम बढ़िया नंबर से पास हो जाएंगे, ये उनकी निश्चित रूप से भूल होती है। ऐसा कभी नहीं करना चाहिए, इसलिए नहीं करना चाहिए कि यदि रुक गया तो तुम्हारे ऊपर बोझ बढ़ते चला जाएगा। जैसे खूब तेज चलने वाला गरुड़ होता है, बहुत तेज आकाश में उड़ता है, उससे ज्यादा आकाश में तेज उड़ने वाला और कोई पक्षी है ही नहीं, लेकिन वह उड़ना बंद कर दे तो क्या अपने मंजिल को प्राप्त कर सकता है, नहीं कर सकता है। इसलिए उसको उड़ना पड़ेगा, चलना पड़ेगा, गतिमान होना पड़ेगा। ठीक उसी तरह से आप गौर करिए कि चींटी बहुत धीरे धीरे चलती है, इस संसार की सबसे छोटी जीव हम लोग उसको मानते हैं, क्योंकि उससे जो छोटी जीव उसको हम लोग देख नहीं पाते हैं, तो हम लोग जिस जीव को देख सके उसमें चींटी बहुत छोटा माना जाता है, लेकिन वह निरंतर देखिएगा चलते रहता है, रुकता नहीं है तब तक जब तक अपने लक्ष्य को प्राप्त नहीं कर लेता है। और उसी से हम लोगों को शिक्षा लेनी चाहिए कि हम लोगों को निरंतर चलते रहना है, रुकना नहीं है, रुक गए तो बड़ी मुश्किल में फंस जाओगे, इसलिए हम सबको आगे बढ़ते रहना चाहिए। आप देखिए यहाँ पर लिख रहा है, शोको नाशयते धैर्यम, शोको नाशयते श्रुतम।
शोको नाशयते सर्वम नास्ति शोक समो रिपु। अब यहाँ पर देखिए बच्चे ध्यान देना, शोक के बारे में कह रहा है। शोक का अर्थ होता है चिंता। हर मानव के अंदर चिंता आ जाती है, लेकिन हम लोग को क्या करना चाहिए, उस शोक को शीघ्रता से समाप्त कर देनी चाहिए, उसको दूर कर देना चाहिए, उसका उपाय ढूंढ लेना चाहिए। क्योंकि शोक ये तो नाशयते धैर्यम, शोक जो है आपके हमारे सबके धैर्य को समाप्त कर देता है, धीरज खत्म हो जाता है, धैर्य चला जाता है। शोको नाशयते धैर्यम, धैर्य नष्ट हो जाता है। शोको नाशयते श्रुतम, जो तुम शास्त्र आदि पढ़े हो, जो ज्ञान तुम्हारे अंदर है, वह भी शोक समाप्त कर देता है, नष्ट कर देता है। शोको नाशयते श्रुतम, श्रुतम का अर्थ हुआ जो तुमने सुना है, जो तुमने ज्ञान अर्जित किया है, शास्त्र आदि पढ़ करके जो विद्या तुमने प्राप्त की है, वह सब के सब विद्या समाप्त हो जाएगी। चिंता हम सबको नहीं करनी चाहिए। शोको नाशयते सर्वम, यहाँ बोल रहा है कि शोक जो है वह संपूर्ण को नष्ट कर देता है, सारे को समाप्त कर देता है। नास्ति शोक समो रिपुः, शोक के समान कोई भी दूसरा शत्रु इस संसार में नहीं है। सबसे बड़ा यदि कोई शत्रु है तो वह है शोक, चिंता। कहीं आप लोग पढ़े भी होंगे कि चिंता और चिता में बड़ी अंतर होता है। चिंता जो है पूरे शरीर को, जीवित शरीर को नष्ट कर देती है, और चिता मरे हुए शरीर को जलाती है। चिंता जीवित शरीर को निरंतर जलाते रहते। इसलिए इस श्लोक से हम लोग को शिक्षा प्राप्त होती है कि कभी भी चिंता में हम सबको नहीं रहना चाहिए। एक बार ध्यान देंगे कि चिंता एक स्वाभाविक प्रक्रिया है, आपके अंदर वो आएगी। चिंता है, द्वेष है, ईर्ष्या है, कलह है, ये भाव हर मानव के अंदर आते रहते हैं। लेकिन आपको करना क्या है, शीघ्रता से इसे समाप्त कर देना है, इसे नष्ट कर देना है, इसे भूल जाना है ना। और उसके लिए क्या करना होगा, आपको इसका समाधान ढूंढना होगा। कुछ व्यक्ति क्या करते हैं कि चिंता में डूब जाते हैं, तो डूबने से तो समाधान निकलेगा नहीं। मान लो किसी के घर में कोई बीमार हो जाता है, किसी के माता पिता बीमार हो जाते हैं, भाई बहन बीमार हो जाते हैं, तो अब यदि बीमार घर में हो गए और हम चिंता में डूब गए कि अब क्या करें, क्या करना चाहिए, भगवान ये विपत्ति कहाँ से दे दिया, तो इससे समाधान नहीं होगा। और क्या होगा, दिन प्रतिदिन हम उलझन में चलते चले जाएंगे और वह अगला आदमी बीमार होते चला जाएगा। हम लोग को क्या करना है, उस समय चिंता को समाप्त करके उसके समाधान का रास्ता खोजना है, विचार करना है। दूसरी बात, मैं आपको क्लास में भी कई बार बताया हूं कि जो चीज आपके लिए अप्राप्य हो जाए, अब ये प्राप्त नहीं हो सकता है, उस पर विचार करना बंद कर देना चाहिए। मान लो किसी के परिवार में किसी का निधन हो गया है, जान पहचान के कोई लोग स्वर्गवासी हो गए हैं, अब इसमें आप हम कुछ भी नहीं कर सकते। जो मर गया उसके लिए आप हम कोई भी कुछ नहीं कर सकता है, तब उसके विषय में सोचना बंद कर देना चाहिए, उस तरफ से ध्यान अपने आप को हटा लेना चाहिए, खींच लेना चाहिए, तब चिंता हम लोगों को नहीं होगी। फिर ये गीता में भगवान इस तरह से समझाए हैं कि हम लोग कैसे चिंता से दूर हट सकते हैं। अगला श्लोक है गौरवम प्राप्यते, गौरवम प्राप्यते दानात्, दान देने से गौरव प्राप्त होता है। न तो वित्तस्य संचयात्, धन संचय करने से, धन जमा करने से गौरव प्राप्त नहीं होगा। कोई आपको बड़ा नहीं कहेगा, आपका बड़प्पन नहीं झलकेगा।
आप यदि दान करते हो, दानात, दान से, पंचमी विभक्ति लगी हुई है, दान से गौरवम प्राप्यते, गौरव प्राप्त होता है। वित्तस्य, वित्त मने होता है धन, क्लास 8 में पढ़ना था वित्त और वृत्त। तो वित्तस्य संचयात न, धन संचय करने से किसी को गौरव प्राप्त नहीं होता है। स्थिते उच्चैः पयोदानाम्, पयोधी नाम अधः स्थितः। देखिए कितना बढ़िया उदाहरण दे रहा है कि पयोदानाम, पयोदानाम उच्चैः स्थितः, अर्थात मेघ जो है जो जल देता है, बादल जो है जो जल देता है, उसका स्थान कहाँ रहता है? ऊपर रहता है। जल देने वाले मेघों का स्थान ऊपर। आप ऐसे दान करते हो तो आपका हाथ ऊपर, लेने वाले का हाथ नीचे। जो दान करता है उसका हाथ ऊपर रहेगा, दान लेने वाले का हाथ नीचे रहेगा। तो वही बोल रहा है कि गौरवम प्राप्यते दानात्, आपको गौरव की प्राप्ति होगी, आपका बड़प्पन झलकेगा जब आप दान करते हो। आप धन का संग्रह करते हो, इससे आपका गौरव नहीं बढ़ता है, ख्याति नहीं बढ़ती है। जल को देने वाला मेघ जैसे ऊपर रहता है, आप देखे होंगे बादल आकाश में चलते रहता है, तैरते रहता है, और समुद्र, समुद्र कहाँ रहता है? पयोधी नाम अधः स्थिति ही, और समुद्र नीचे रहता है, क्योंकि उसको लेना है, वह देना नहीं जानता है, वह लेना जानता है, और मेघ देना जानता है, बादल देना जानता है। अर्थात हम सबको निश्चित तौर से कुछ न कुछ यथासंभव जितना हो सके, मान लो तुम लोग अभी बाल्यावस्था में हो, बहुत छोटे हो, आपके पास आर्थिक स्थिति उतनी सबल नहीं है, लेकिन जितना हो सके गरीबों को दान करना चाहिए, चाहे वह भोजन हो, वस्त्र हो, या अच्छे अच्छे वचन भी आप यदि गरीबों के पास कहते हो तो ये बहुत बड़ा दान होता है, और आपका बड़प्पन बढ़ता है, आपकी ख्याति बढ़ती है, आपका यश बढ़ता है, आप यशस्वी बनते हो। तो ये हम सबको करना चाहिए। आज इतना ही, फिर हम लोग अगले क्लास में बात करेंगे।